हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अज आप कर रहे हैं 8वीं क्लास का 9वां पाठ, रुत रुत दे रंग। पहला आप करांगे पाठ का सार। स्कूल तो वापस आते हुए पुनीत मीह विच भिज गया ते दुखी हुंदा होया अपने कपड़े बदल रहा सी। दादी जी नू कह रहा सी कि बरसात दा मौसम गंदा है, पर पुनीत दी छोटी भैन सुखमन नू ने बरसात दे मौसम दी तारीफ कीती। इन्ने नू पुनीत दी मम्मी खीर दे पूड़े लेके आई। दादी माँ ने बरसात दे मौसम अते रुत बारे दसन लगी। पुनीत ने कहा, दादी माँ मैनू खीर पूड़े तो पसंद है पर चिक्कड़ नहीं। दादी माँ पुनीत नू एक बात सुनाउन लगी। एक बार एक बुढ़ी औरत अपने पेक्यां तो तुर के वापस आ रही सी। उसका पिंड बहुत दूर सी। सुखमन ने पूछा कि वो बुढ़ी औरत पैदल क्यों आ रही सी। दादी ने दसिया कि उदों बसां कारां ते कोई होर साधन नहीं सन हुंदे, इसलिए लोग पैदल ही जांदे सन। अमीर लोकां कोल ही घोड़े ते बलद गड्डियां हुंदियां सन। ते उस बुढ़ी औरत ने खूह तो पानी पीता, पिप्पल हेठा आराम करन लई बैठ गई। ओ बैठी बैठी कुदरत दियां दातां बारे सोचण लगी। उसनू लड़ाई दी आवाज़ सुनाई दित्ती। उसने देखिया कि गर्मी, बरसात, सर्दी ते बसंत, ए रुत्तां आपस विच लड़ रही सन। हर रुत्त अपने आप नू सोहनी दस रही सन। रुत्तां ने बुढ़ी औरत कोलों पुछया कि साडे विचों केड़ी ज़्यादा सोहनी है। बुढ़ी औरत बहुत ही सियाणी ते समझदार सी। सब तो पहला गर्मी आई ते बेबे ने गर्मी दियां सब खूबियां दसियां, तां ओ भी वापस भज गई। फिर पतझड़ दी रुत्त आई। पतझड़ दी रुत्त बहुत ज़्यादा निराश सी ते ओ दुखी हो रही सी। उसनू दुखी देख के बेबे ने पतझड़ दियां खूबियां दसियां, तां ओ भी खुश हो के वापस चली गई। फिर सर्दी दी रुत्त आई। ओ भी अपनी तारीफ सुन के चली गई। इस तरह बेबे ने
तारीफ की। फिर बसंत की वारी आई, उसने अपनी सुंदरता नूं बड़े ही नखरे नाल पेश किया। उसने कहा कि मेरे तो सोहनी कोई रुत नहीं है। तां दादी ने उसका हंकार नूं तोड़न लई दस्या कि जे सारा साल एक तू ही रहे तां तेरी सुंदरता नूं किसे ने वेखना। ये गल सुन के बसंत दियां अखां खुल गईयां ते ओ भी खुशी खुशी वापस गई। ते दूसरियां रुत्तां हसन लगियां। इस तरह उस बुढ़ी औरत ने दस्या कि हर रुत्त बहुत सोहनी है, पर साडे अंदर इन्ना कुदरत दे रंगां नूं जानण दी इच्छा होनी चाहीदी है। दादी ने कुदरत दे रंगां नूं जानण ते बात पुनीत ते सुखमन छत ते जा के सतरंगी पींग देखण लगे। हुण करदे आं अभ्यास प्रश्न। बरसात किसनों पसंद नहीं? बरसात पुनीत नूं पसंद नहीं। खीर पूड़े किसने बनाए? मम्मी ने। दादी अनुसार केड़ी रुत्त सोहनी सी? दादी अनुसार सर्दियां दी रुत्त सोहनी सी। तियां दा त्यौहार किस रुत्त विच हुंदा है? तियां दा त्यौहार बरसात दी रुत्त विच हुंदा है। किहड़े रुत्त नूं हंकार सी? बसंत रुत्त नूं हंकार सी। अगले प्रश्न है, पुनीत किहड़ी गल्लों दुखी सी? बरसात दे चिक्कड़ तों पुनीत की सी? दुखी सी। दुखी सी। दूजा प्रश्न है, कहानी विच आईयां रुत्तां दे नां लिखो। गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़ ते बसंत। बरसात तो बाद आसमान विच केड़ी पींग दिसदी है? केड़ी पींग दिसदी है? सतरंगी। कहानी विच बुढ़ी औरत कित्थों वापस आ रही सी? अपने पेक्यां तों। कहानी विच बुढ़ी औरत अपने पेक्यां तों वापस आ रही सी। सौण दे महीने च घरां विच किहड़े पकवान बणदे हन? सौण दे महीने विच घरां विच खीर दे पूड़ियां दे पकवान बणदे हन। किहड़ी रुत्त सूरज वांग दग दग करती है? केड़ी रुत्त सूरज वांग दग दग करती है? गर्मी दी रुत्त सूरज वांग चमकती है। बरसात दे मौसम, बरसात दे मौसम विच केड़ा त्यौहार आउंदा है? बरसात दे मौसम विच तियां दा त्यौहार आउंदा है। केड़ी रुत्त नूं अपने सोहणे होण ते हंकार सी? बसंत रुत्त नूं अपने सोहणे होण ते हंकार सी। सारियां रुत्तां ने बुढ़ी औरत नूं की दित्ता? सारियां रुत्तां ने बुढ़ी औरत नूं सोहणे होण दा भरपूर आनंद दित्ता। अगला प्रश्न है, पुनीत ते उसकी भैन छत ते उपर क्यों गए? आकाश विच सतरंगी पींग देखण। हुण करदे हाँ हेठ लिखे
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਦਾਤਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ। ਕਰੁੰਬਲਾਂ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਵੀਆਂ ਕਰੁੰਬਲਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਵੀਆਂ ਕਰੁੰਬਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਲ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਬੜੇ ਸੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਅ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਖਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਖਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ, ਸਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਲੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੈ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵਰਦੀ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਕੀ ਆਊਗਾ? ਵਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਰੁੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੀ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵੇ ਕਿਹਾ ਕਈਆਂ ਖੜਖੜ ਲਾਈ ਆ। ਹਰ ਰੁੱਤ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਰਸਾਤ ਕਾਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਬੱਦਲੀਆਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੌਵਾਂ ਪਾਠ, ਰੁੱਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਰੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਲੈਸਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।